हरे कृष्ण। हम देखते हैं प्रभु राम माल्यवत पर्वत पर किष्किंधा के आजू बाजू के क्षेत्र में रह रहे थे। आज भी वो जगह हम देख सकते हैं किष्किंधा जाकर के। वहां पर भगवान का बाल्यवंत राम करके एक बहुत सुंदर मंदिर है, जिसे कि हम छठिया जनकिया आपको दिखाते हैं। सो दिस इज द टेम्पल बाल्यवंत राम एट किष्किंधा, जहाँ पर भगवान राम रहे थे 4 महीनों के लिए। हम देखते हैं कि इन 4 महीनों में, जैसे हमने कल देखा कि भगवान राम सीता के दावों का जप कर रहे थे, उनसे होने वाली अतीव विरह की पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। लक्ष्मण उनके साथ केवल रह करके उनका साथ देने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। राम बिकेम वेरी फिलोसॉफिकल दीज डेज। उनके हृदय से आने वाले उद्गार बहुत ही ज्यादा तर्कशुद्ध होते थे। एक बार ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे झरनों से एक बड़ी ही नदी बनते हुए राम ने देखी, और राम कहते हैं जिस प्रकार से ये झरने अपने आप जाकर के उस नदी में मिल रहे हैं, वैसे ही एक सच्चरित्र व्यक्ति के हृदय में अपने आप सद्गुण प्रवेश करते हैं। उसे कुछ करना नहीं पड़ता। अगर वो सच्चरित्र बनाए रखता है तो सद्गुण उसके अंदर अपने आप प्रवेश करेंगे। एक बार उन्होंने, क्योंकि ये बारिश है तो बहुत समय के बाद धूप से चटी फटी धरती में से सुंदर नए नए छोटे 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 पौधे आ रहे हैं, तो उन छोटे पौधों की एकदम लाइट ग्रीन सी नई पतवार को देख करके प्रभु राम कहते हैं कि एक साधक जिसने अभी अभी आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक शिखर उसने पा लिया है, उसका मन जैसा अत्यंत उतावला होता है और इस भौतिक जगत से ऊपर उठने का, 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर उठने का उसके अंदर जो आनंद होता है, वो आनंद जो है वो इन छोटी छोटी हरी पत्तियों में दिख रहा है। ये जमीन के अंदर से आ रही है, ये बीज पता नहीं कितने समय से उस धरती के अंदर था, लेकिन अब क्योंकि उसे सुंदर अच्छे बारिश के बूंदों का फुहार मिली है और उगने के लिए बहुत अत्यंत परफेक्ट एक क्या कहते हैं एक बैकड्रॉप मिला है, तो वो बीज अब अंकुरित हुआ है और धरती के अंदर से बाहर आ रहा है। उसी प्रकार से एक नव नव सिखिया नहीं, एक भक्त जिसने आत्मगति प्राप्त कर ली है, उसका आनंद जैसे अपने अंदर समेटता है। ही इज नॉट एबल टू कंटेन हिमसेल्फ, ही इज रियली फ्लोटिंग इन अ ब्लिस, एग्जैक्टली लाइक द स्मॉल न्यू पेटल्स ऑफ फ्लावर्स और स्मॉल न्यू लीव्स ऑफ न्यूली कमिंग अप प्लांट्स दे सी। एक बार ऐसे ही राम ने बड़े से सुंदर पहाड़ के ऊपर बारिश को और जोर से गिरते पड़ते हुए देखा। राम कहते हैं लक्ष्मण से कि देखो इस पहाड़ को देख सकते हो, ये पहाड़ जिस प्रकार से पूरे पानी के बहाव को, उसके थपेड़े को सहता है फिर भी शांत विरक्त खड़ा रहता है, वैसे ही एक साधु एक भक्त अपने जीवन में प्रकृति से होने वाले और आजू बाजू के अलग अलग कारणों से होने वाले अपने अंदर के व्यथितताओं को, आकांक्षाओं को, डिस्टर्बेंसेस को वो झेलता है और भगवान की सेवा में शांत चित्त होकर के खड़ा है। एक बार भगवान ने, राम ने ऐसी बहुत सारे जुगनुओं को जोर से इधर से उधर जाते देखा। जब वो राम कहता है ये जुगनू, ये एक ऐसे अहंकारी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपनी ऊर्जा दूसरों को दिखाने के लिए बहुत ही लालायित है। ये जुगनू कौन भोले नहीं है, ये चमकते हुए और किसकी चमक सबसे ज्यादा है, इसमें भी कॉम्पिटिशन होती है। लेकिन क्या ये सूर्य से कॉम्पिटिशन कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, उस समय वो दिखते ही नहीं है। तो वैसे ही अहंकार जब सदगति या सदभक्ति के संपर्क में आता है वो दिखता नहीं है, वो छुप जाता है।
लेकिन जब वो सदगति या सत संपर्क से निकल जाता है तब वो अहंकार अपने आप को बड़ा और प्रामाणिक दिखाने के लिए हमेशा करता रहता है। इस प्रकार से कई सारे फिलोसॉफिकल इंसाइट्स प्रभु राम ने लक्ष्मण के साथ शेयर किए। 3 महीने हो चले थे। 3 महीनों के बाद में जब भी बारिश होती और बिजलियां कड़कती, राम कहते लक्ष्मण देखो मेरे क्रोध का, मेरे क्षोभ का, मेरे दुख का, मेरी वेदनाओं का कोई सरोकार ही नहीं है किसी को। इस जीवन में अपॉर्चुनिस्ट फ्रेंड्स से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने से मदद करने के लिए जब उसका स्वार्थ होता है तब जरूर आता है, लेकिन जैसे ही उसका स्वार्थ खत्म हो जाता है तो फिर वो अपने आप को दूसरों से अलग कर लेता है। आई होप सुग्रीव अपनी प्रोमिसेस को याद रखेगा। जब उसने कहा था उसके राज्याभिषेक की तुरंत बाद की, मैं एक सर्च पार्टी को भेजता हूँ सीता की खोज के लिए, तो मैंने उसे कहा था कि अरे अभी तो बारिश का सीजन आने वाला है, खरपतवार बहुत बढ़ जाती है हर जगह पे, जंगलों में सांप बिच्छू केचुए होते हैं और इनसे हिलने डुलने में बहुत मुश्किलात होती है, तो कृपया 4 महीने के बाद आप एक सर्च पार्टी भेजो। तो सुग्रीव ने उस समय तो कहा था हाँ, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि सुग्रीव किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, क्या उसे अपने मुझे दी हुई प्रतिज्ञा याद भी है। लक्ष्मण जी तुरंत राम के पास आए। लक्ष्मण के लिए ये 4 महीने राम की सेवा का सबसे कठिन स्टेज थी। राम को इतना दुखी और इतना हताश लक्ष्मण ने पहले कभी नहीं देखा था। इट वुड ऑलवेज बी दैट लक्ष्मण वुड बी द वन हु वुड बी आउट ऑफ कंट्रोल एंड राम वुड गेट हिम विद कंट्रोल, बट नाउ इट रोल्स आर रिवर्स्ड। राम वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, ऑफकोर्स लक्ष्मण गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल होते थे, राम दुख में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और लक्ष्मण पूरे थाड़स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं निश्चित रूप से सुग्रीव अपने प्राप्त दिए हुए वचनों को कभी नहीं भूलेगा, वो वापस आएगा। बहरहाल मैं जा करके उसे रिमाइंड भी करता हूँ, ऐसा लक्ष्मण ने कहा। इसी बीच इश्किंधा में सुग्रीव के साथ तो कुछ और ही चल रहा था। बहुत समय के बाद अपनी पत्नी रूमा को मिलने के बाद, तारा के साथ शादी होने के बाद, सारे राज्य का पूरा कंट्रोल मिलने के बाद सुग्रीव कंप्लीटली लॉस्ट इट। इन 3 महीनों में सुग्रीव ने शायद एक आध बार कभी सभा बुलाई थी, वरना वो अपने आप में मस्त था, भोग और ऐश्वर्यों में पूरा लिप्त। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों को सारे राज्य के कारोबार संभाल दिए थे, उनके मंत्री भी राजा के ही पदचिन्हों पर जाकर के वो भी ऐशो आराम का जीवन जी रहे थे। राजा को कुछ पढ़ा दिए तो हमें क्या पढ़िए। प्रजा भी वाली के समय से ज्यादा हो गए ऐश्वर्य में डूबी। ये देख करके एक व्यक्ति जो पूरी तरह से अपने में स्थिर थे वो थे हनुमान। हनुमान ने क्या किया ये हम देखेंगे हमारे कंके पे सो। बने रहिए हमारे।